Then what chapter? 2. Tissue. Now sit and relax. Bend down. Tissue. आप लोग देखें कि सेल्स जो है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जो पहले हर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रहा है। पहले देखिए अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी इसको बनना है, या आप ऐसे कहो कि हर मल्टी ऑर्गेनिज्म पहले यूनिसेलुलर रहा होगा, क्यों रहा होगा यूनिसेलुलर? इसको एनवायरनमेंट से मान लो कि कोई मतलब नहीं है, या इसको खाना जो है या कोई फंक्शन करना है तो उसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना होगा उस हिसाब से। तो ये क्या करेगा, सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा और एक चेंबर बना देगा, अपना ग्रुप बना देगा। तब एक तरह का जब पूरा सेल का ग्रुप बन जाता है सेम सिंगुलर सेल का, तब टिश्यू फॉर्म होता है। यानी कि सेल से सेल, अगर सेल जुड़े तो टिश्यू फॉर्म होगा, टिश्यू जुड़े तो ऑर्गेन, ऑर्गेन जुड़े तो ऑर्गेन सिस्टम, और इट विल फॉर्म ऑर्गेनिज्म। इतना हो गया टिश्यू में। अब इतना पहले पॉज करके लिखो तो क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज टिश्यू? बस व्हाट इज अ टिश्यू, अभी लिखे नहीं, आप ध्यान दिया था, वो लिखने के लिए मौका मिलेगा। आंसर, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल ही डेफिनेशन में चेंज, क्योंकि अब अपडेटेड हो गए हैं, बहुत बचपन से अंडरलाइन, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सही है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। एज हम क्या बताए, यहाँ पे जो टिश्यू है ना इसका सभी का फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स ऑफ हैविंग कॉमन ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है ज्योमेट्री में ऑरिजिन। अगर हम ये ऐसे कर दें या ऐसे पैराबोला बना दें तो ये कहां से आया है, ऑरिजिन से आया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन, बस थोड़ा सा और भी है, एंड कॉमन फंक्शन, एंड यहाँ देखिएगा क्या चीज लिख रहे हैं, एंड कॉमन फंक्शन। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, पहले डेफिनेशन तो हो गया, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। ग्रुप है किसका, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना चाहिए सभी सेल का, तब टिश्यू फॉर्म होगा। अलग अलग सेल को इकट्ठा कर दो तो नहीं फॉर्म होगा, बातें नहीं हो गया, हो गया। एंड हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। अब देखो पहला जो पॉइंट है, इसका पहला टॉपिक हो गया। इधर देखिए प्लांट टिश्यू मेजर टॉपिक, प्लांट मेजर टॉपिक, प्लांट क्यों नहीं पढ़ना, फिर एनिमल टिश्यू दो मेजर टॉपिक। इसमें जो एक पॉइंट है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, दो में है, तो इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर देता हूं। अगर दोनों के बारे में आएगा लिखने तो लिख लीजिएगा। तो पहला है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू, क्यों? बिकॉज़ इट हैज़ अ कैपिटल टू डिवाइड।
इट हैज अ तो बता नहीं रहे थे हाँ बताइए कैपेसिटी टू डिवाइड एकदम सही मेरिज टॉस यानी यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं मेरिज टॉस यानी डिवाइडेड इसका काम है सेल को डिवाइड करना लेकिन सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे माइटोसिस ऑफ अस हो गया फोर्थ पॉइंट क्या होगा अब इसके सेल के बारे में सेल इसके दिखते कैसे हैं बात नहीं देखो देखो क्या बता रहे हैं अगर इस रूम का आप वॉल्स जो है दीवार दो साइड का दो के बीच में उसको अगर आप पतला कर दो थिन कर दो तो रूम के अंदर का जो स्पेस बड़ा हो जाएगा स्पेस अगर इसी वॉल को और मोटा करते चलो दो रूम के बीच का वॉल को और मोटा कर दो स्पेस कम हो जाएगा वही चीज इसमें है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा बात बना पहले शांत हो जाओ अच्छा ये देखो न्यूक्लियस है अब इसमें जो पॉइंट लिखाने का है न्यूक्लियस इनके सेल्स में जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है इसका मतलब बताएंगे इज प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट यानी मेन प्रमुख या प्रधान जो भी हिंदी में से लिखा हुआ है प्रमुख होता है हिंदी में एंड सेंट्रली लोकेटेड नेक्स्ट साइटोप्लाज्म अच्छा सेल वॉल के बारे में सेल वॉल इनका कैसा है यहाँ पे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डायग्राम है अब ये देखो ये सेल वॉल है हाँ सेल वॉल ये सही मान कर इसी से लिखना चाहिए सेल वॉल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल वॉल के बारे में आया है डायग्राम लिखा तो उसके बारे में लिखना होगा कि सेल वॉल इज थिन वॉल्ड आप एक बार किसी भी इसी स्पेस का ये जो बाउंड्री है इसको पतला कर दीजिए तो बीच का स्पेस बढ़ गया तो बीच के स्पेस में कौन प्रेजेंट है तो लिखेंगे साइटोप्लाज्म इज डेंस हैलावा ये पॉइंट हो गया इनके अब इसमें थोड़ा सिक्स पॉइंट है ना सेवन पॉइंट एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट देख के दिखा था इतना लिखते रहिए सब हो गया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये तो जहाँ पे हाइट बढ़ रहा है वहाँ वहाँ प्रेजेंट है तो ये कहाँ दिखाना इनके सेल्स के बारे में दिखा देता हूँ हट जाएगा सेल्स आर इनके जो सेल्स हैं कैसे लग रहे हैं आपको छोटे अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब सेम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सेम दिखेगा देखो सेम स्ट्रक्चर है सेल्स आर स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड एंड अच्छा ये थिन वॉल लिखा गया ना बस अभी भी सम पॉइंट छूट रहा हाँ इट इज ऑल्सो सब छूट रहा है जैसे लिखा है यहाँ पे लिखा देते हैं ठीक है यहाँ पे चला गया एट पॉइंट में इट इज ऑफ थ्री टाइप्स एपिकल
लेटरल इंटर इंटर कैलरी ठीक है. नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. इट ऑफर्स या इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग पार्ट्स या टिप्स पार्ट्स विच ऑफ द roots and stem. Help in increasing length. हाँ, अपने point बस last में it increases height of the या length of the plant. अब कोई भी चीज अगर आपका height बढ़ रहा है तो सिंस plant से भी है. Pause कर देना वीडियो. आराम से गया. देखो इसे परमानेंट बताइए पहले. सेल्स लूज देयर एबिलिटी टू टू डिवाइड. नेक्स्ट दे आर परमानेंट. नेक्स्ट सेल वॉल इज. अब देखना सेल वॉल से कैसा हो गया. ठीक हो गया. नेक्स्ट वैक्यूम इज प्रेजेंट सेंट्रली. फिफ्थ पॉइंट फंक्शन क्या. फंक्शन इसका लिख दो प्रोटेक्शन. परमानेंट हो गया है तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो लिखेंगे इसका क्या बताएं. प्रोटेक्शन स्टोरेज. नेक्स्ट पॉइंट में फोटोसिंथेसिस. अब जैसे कोई डिवाइड कर देगा कि अपना सेफ मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस अब कर सकता है. हो गया. और ये भी कितने टाइप्स के हैं. इट इज ऑफ टू टाइप सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स हो गया. चलो पॉज. हाँ हाँ वीडियो पॉज.